फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आप सब लोग यहाँ पे आए। अभी तक हम बैंकिंग और बैंकिंग से जुड़ी हुई चीजें कर रहे थे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड ही मैनेजमेंट्स हैं, और ऐसी मैनेजमेंट्स हैं जिन्होंने ना केवल अपने प्रोडक्ट से लोगों को अपनी तरफ जोड़ा, मैं बोलूँगा ना केवल लोगों को जोड़ा बल्कि सदियों तक जोड़े रखा, और आप सबके शेयर्स धारकों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स हुआ। इसलिए मैं इसका 10 का दम नाम बोलूं या वेल्थ क्रिएटर बोलूं, जो भी बोलना चाहूं मैं बोल सकता हूं, मेरे पास पूरे अधिकार है बोलने के। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमित जी आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी। राजेश सर थैंक यू वेरी मच, आपकी बाय द वे स्माइल बहुत अच्छी है, जब भी आप आ रहे थे और बैठे थे मैं देख भी रहा था आपको, आपके मैं स्माइल पे तो फिदा हूं, सो थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू मिस्टर वासुदेव, आपका नाम बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया और बातचीत में भी मजा आएगा आपसे बातचीत करके। पहले तो मैं आपसे ही शुरू करूंगा मिस्टर वासुदेव चर्चा को। देखिए हम सब तभी फक्र से रहते हैं इस देश में, या इस देश की वेल्थ को या इस देश को एंजॉय करते हैं, जब आपकी जैसी कंपनीज कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिससे हमारी सेफ्टी और सुरक्षा पूरी तरह से, हम कहते हैं कि हम पूरी तरह से फिट हैं, क्योंकि आप वॉरशिप्स में, आप आर्मी को भी देते हैं, आप पैसेंजर्स में भी हैं। तो मैं जरा ये जानना चाहता हूं, जो पिछला 5-6 साल 10 साल रहे, ये कितने बड़े बदलाव के रहे टिपिकली आपके इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस के लिए? थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, आपको भी हैप्पी नवरात्रि सर। ये एक्चुअली मेरी सौभाग्य है कि मैं इस कंपनी में हूँ। मैं पहले फौज में था, भारतीय नौसेना में, तो मैं वहां से रिटायर होके मजगांव डॉक ज्वाइन किया, और दैट वाज एग्जैक्टली अबाउट 12 इयर्स बैक। तो एक्चुअली देखा जाए तो मजगांव डॉक की लेगेसी बहुत ही बढ़िया है। इट इज अ वेरी ओल्ड कंपनी, 250 इयर्स ओल्ड कंपनी। दुनिया में ऐसे बहुत कम कंपनीज हैं जो 250 इयर्स ओल्ड सस्टेन कर चुके हैं, एंड प्राइमरीली इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स। एंड अगर हम देखें तो दुनिया में देर आर ओनली 12 कंट्रीज विच मेक सबमरीन्स। ओके, इंडिया इज वन ऑफ देम, एंड मजगांव डॉक इज ओनली वन हु मेक्स कन्वेंशनल सबमरीन्स। सो वी आर इन अ वेरी यूनिक पोजिशन। हमारी कंपनी की खासियत ये रही है कि वी हैव ऑलवेज मेड द मोस्ट एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स। जैसे आपने बोला, बताया कि हमारी देश सुरक्षित है, आई ऑलवेज, ये मेरा जोक रहा है नॉर्मली, कि जब हम घर से निकलते हैं हमारे घर में बहुत लाखों का सामान रहता है, लेकिन हम ताला सिर्फ 100-200 रुपए, 200 या 1000 रुपए, बड़े रिच पीपल विल पुट 1000 रुपीज लॉक। सो द प्राइमरी रीजन इज बिकॉज यू नो दैट आपके एनवायरमेंट सेफ है। तो अगर हमारी देश आज 5th largest economy है एंड एस्पायरिंग टू बिकम द 3rd largest economy, देर इज एन इकोनॉमी विच रिक्वायर्स a safe environment to function, and that is provided by the defense of any country. You spend about 2%, 3% of your GDP on defense just to ensure that the environment is safe. Aaj the geopolitical situation, aaj jo hamari, it's visible that there is too much of conflict all over the world, and it is very important ki aapki sari jo defense needs hai wo aapke desh mein hi bane. To Mazgaon Dock ऐसा का कंपनी रहा है जो स्टार्टिंग इनिशियली हमारे नेवी ने अच्छा सोचा था कि लेट्स स्टार्ट मेकिंग थिंग्स इन इंडिया। मैं 70s की बात कर रहा हूँ, तो तब से हमने अपने इंडिया में शिप्स बनाने शुरू किए। व्हाइल वी इनिशियली द टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम आउटसाइड, बट स्लोली एंड स्लोली व्हाट वी डेवलप्ड इज द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू एब्सॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। और वी ऑल शुड नो दिस दैट जो नया टेक्नोलॉजी लाता है वही इस वर्ल्ड को रूल करता है। द ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज एवरी न्यू टेक्नोलॉजी केम आउट ऑफ ब्रिटेन। टूडे ब्रिटेन इज जस्ट एन एलाय ऑफ यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। सो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजगांव डॉक का यही एबिलिटी रहा है कि नया टेक्नोलॉजीज को कैसे एब्सॉर्ब करें और कैसे हमारे नए प्लेटफॉर्म्स को बनाएं ताकि हमारी
वाटर शोज आर सेफ। सर एक चीज बस, मैं एक एंकर के तौर पर नहीं बल्कि एक सिटीजन के तौर पर पूछूं, क्योंकि हम तीन तरफ पानी से घिरे हुए हैं, हमारा जो देश है इट्स अ पेनिनसुलर कंट्री, तो हम पूरी तरह से सेफ हैं आज, सेफ हैंड्स में हैं? 100% 100% थैंक यू वेरी मच, कॉन्फिडेंस देने मोर देन 100% थैंक यू वेरी मच ये कॉन्फिडेंस देने के लिए। मेरे राइट हैंड साइड पे दो खास मेहमान बैठे हुए हैं, एक तो अमित जी हैं। अमित जी, मैं आपके सूट को देख के पहचान सकता हूँ, आप रेमंड्स का ही सूट डालते होंगे क्योंकि आप रेमंड के CFO हैं। और मेरे साथ जो एक और मेहमान बैठे हुए हैं वो मैं बोलूंगा कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट कुछ ऐसे है जैगल के नाम से, जो लोगों को डिसिप्लिन करता है, जो लोगों को बताता है कि हाँ देखिए बिजनेस आप करो, पैसा कमाना अलग बात है लेकिन पैसे को बचाना और उसको सही तरीके से रखना ये अलग बात है। ये हमारे पूर्वजों ने भी हमको सिखाया और एक काफी अच्छे से टेक्नोलॉजी में जेगल के CEO और MD बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे हो रहे हैं। अविनाश जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। अमित जी, ये जब पूरा दौर बदलता है, सारा फैशन बदलता है, इस फैशन में भी रेमंड्स जो लेगेसी पहले लेके खड़ा था वो लेगेसी आज भी लेके खड़ा हुआ है, ऐसे कैसे किया आपने? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच सर। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि ये रेमंड मजगांव डॉक 250 साल है बट हमारा अभी 100वां साल शुरू हुआ है। ठीक है, तो 250 साल इधर है, 100 साल इधर है, तो करीब करीब 350 साल हो गए हमको। तो अपने जो देश में विकास हो रहा है उससे लगता है कि हम भी 250 साल आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर हम देखें बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रेमंड एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर तबके के लोगों को अट्रैक्टेटर करता है। हमारी जो सूट लेंथ है या कपड़ा है वो 300 रुपए मीटर से लगाकर 300,000 रुपए मीटर तक है, तो हर केटर। सर ये 300,000 रुपए मीटर में क्या होता है, कपड़ा ही होता है? कुछ कपड़ा ही होता है बट बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, वो आप खरीदे तो पता चलेगा, बहुत महंगा है सर बट सब तरह के लोग हैं। और दूसरी क्या बात है कि हमारे यहाँ इस ब्रांड के ऊपर एक ट्रस्ट है, और वो जो ट्रस्ट है वो क्या करता है, हमको हर फैशन के साथ, हर ट्रेंड के साथ, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हम भी अपने कपड़े चेंज करते हैं, हम ब्लेंड्स नए लाते हैं, हम डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं। और आज जैसे देखिए शादियां, कहते हैं हिंदुस्तान में अगर शादी होगी तो रेमंड का सूट जरूर सिला जाएगा। सर नहीं तो बारात वापस लौट जाती है अगर रेमंड से कपड़े ना दिए जाएं। बिल्कुल, तो इसलिए क्या होता है कि जब पहले शादियां 2 दिन की होती थी, अब 4 से 5 दिन की होती है, तो हमने जो एथनिक्स लॉन्च किया अभी अपना, जिसकी 120 दुकानें हो गई, वो नए ट्रेंड को देखते हुए हमने लॉन्च किया। आज स्ट्रेच का कपड़ा है वो मैंने लॉन्च किया, कैजुअल वेयर ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो लॉन्च किया। तो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है उस तरीके से हम अपनी डिजाइन चेंज करते हैं, कपड़े का वीव चेंज करते हैं, और इस तरीके से हम केटर करते हैं। और इसी कारण हम लोग 100 साल से लोगों को क्लोथ करते आ रहे हैं, दैट इज वाई वी आर कॉल्ड कंप्लीट मैन। बिल्कुल, आप कंप्लीट मैन है और आगे भी भविष्य में रहेंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे और पता करना चाहता हूँ, कपड़े के बिजनेस में ज्यादा मन और दिमाग अच्छे से लग रहा है या सर अब रियल एस्टेट की तरफ ज्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पे फटाफट बिकता है सर, करोड़ के करोड़ आते हैं एक बार में? बट देखिए क्या है कि हमारे पास ग्रुप में 3 बिजनेस है, एक है लाइफस्टाइल जो कि कपड़े का व्यापार है, दूसरा है रियल एस्टेट, और तीसरा है इंजीनियरिंग। और हमारा तीनों बिजनेस के ऊपर फोकस एकदम क्लियर है। और हमने क्या किया है, अभी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम लगा दी है, प्रोफेशनल बोर्ड क्रिएट कर दिया है जो कि ये तीनों बिजनेसेस को मैनेज करेगा। और कैपिटल एलोकेशन, बिकॉज हम डेट फ्री बिजनेस हैं इसलिए हमारा कैपिटल एलोकेशन में कोई चैलेंज नहीं है। एंड तीनों ओवर टाइम लिस्टेड एंटिटीज हैं, प्योर प्ले प्रोफेशनली मैनेज्ड इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, और तीनों का अपने ग्रोथ प्लान है, तो इसलिए तीनों सक्सेसफुल होंगी। और जैसा हम देख रहे हैं, आप पिछले देखिए, अगर 4 साल में अगर आप देखें, बात करें वेल्थ क्रिएटर का, तो हम लोगों का कोविड के समय कोई 1600 करोड़ का मार्केट कैप था, आज ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का मार्केट हो गया है, एंड आगे फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेरे पास खैर और भी कई सवाल है सर आपके लिए, और मैं एक फक्र से बोल सकता हूँ कि जो समृद्धि समिट है, एक्चुअली आप सबकी कंपनीज को देख के लगता है कि हाँ ये समृद्धि ही हुई है, क्योंकि जिसने जहां पे पैसा लगाया आपकी कंपनी में वहां से उसकी वैल्यू ग्रोथ हुई है, वहां से उसकी ग्रोथ मिली है। मैं एक बार जरा जैगल की मैनेजमेंट से भी जानना चाहता हूँ सर। अविनाश सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला हमारे लिए। कहते हैं कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बता के गए हैं कि पैसा कमाना अलग बात होती है लेकिन पैसे को संभाल के रखना, उसको अच्छे से खर्च करना, उसकी यूटिलिटी को चेक करना, वो और भी मेहनत का काम होता है और वो ज्यादा मेहनत का काम है। मेरे को लग रहा है वो काम आपने पूरा देश को ठेका दे दिया है कि हम ही संभालेंगे उसको,
ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो तो बहुत ही शानदार है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मुबारकबाद आपको 4 साल की सालगिरह के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अमित जी सूट पेमेंट का ही है और आज नहीं पिछले 25 सालों से सूट रेमंड का ही है पूरी दुनिया भर में। सर बाद में मेरा भी रेमंड का ही है। राजेश जी आप ही बता दीजिए, रेमंड का ही है, देख लीजिए 4 ग्राहक तो यहीं बैठे हैं। रेमंड हेयर ऑल्सो, सो आपको तो मतलब कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है वैसे। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। देखिए जैसे आपने कहा पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल होता है, पर किसी को भी जिसने मेहनत से कमाई होती है, कंपनी हो या इंसान हो, उसकी अहमियत बहुत होती है पैसे की है। और आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई उसको आपसे चुरा के दिखे या वो ऐसी जाया चला जाए। आप उसको अच्छे से डिप्लॉय करना चाहते हैं, आप उसको अच्छे से यूज करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, भले ही वो आपके एम्प्लॉई हो, आपके वेंडर के पे आउट्स हो या आपके चैनल के पे आउट्स हो, जैसे आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, कोई भी आपका खर्चा हो, आप उसको 4 हिस्सों में अगर आप मैं बांटता हूँ, तो पहले तो आप लिमिट और पॉलिसी लगाना चाहते हैं। कोई भी सीएफओ जैसे अमित जी हैं, पहली चीज वो चाहेंगे कि उनकी पॉलिसी जो है वो बहुत क्लियर हो, डिफाइंड हो, एनफोर्सेबल हो, फ्लेक्सिबल भी हो, कल को अगर उनको चेंज करना है एक बिजनेस यूनिट के लिए, एक डिविजन के लिए, तो वो चेंज भी कर सके। दूसरी चीज जो पे आउट होती है, जो पेमेंट होती है, वो एकदम ट्रेसेबल हो, ट्रैकेबल हो, और उसमें रिकंसिलिएशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत आज आप किसी भी सीएफओ से बात करेंगे, उनकी पेटी कैश का, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का पेटी कैश प्रॉब्लम अभी सॉल्व करा है, स्पेशली रिटेल स्पेस में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टोर लेवल पे उनका कभी पेटी कैश रिकंसाइल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है, एडवांस हो जाते जाता है और वो बिलें आती रहती हैं, कुरियर कभी आता है कभी खो जाता है। तो उसका एक फुल प्रूफ मैं कहूंगा हमारे पास सोल्यूशन है, तो आपका पेमेंट हम एनेबल करते हैं, और हम हमारी खासियत यह है कि हम UPI करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, कमर्शियल क्रेडिट कार्ड्स करते हैं, हम प्रीपेड में सबसे बड़े प्लेयर हैं इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद बैंक्स, 14 बैंकों के साथ पार्टनरशिप है हमारी, SBI कार्ड्स के साथ भी है, ICICI के साथ है, सारे मेजर बैंक्स के साथ हैं हम। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा आता है सर, उसमें आप चाहते हैं एविडेंसेस, कि आपके पास एविडेंस हो, बिल्स हो, इनवॉइसेस हो, रिसीट्स हो, कि भाई ये जो आपने खर्चा किया है ये लाजमी खर्चा है, ये बोनाफाइड एक्सपेंसेस है। और चौथा जो हिस्सा हम देते हैं लोगों को वो है आपकी एनालिटिक्स। तो पॉलिसी, पेमेंट, एविडेंस, एनालिटिक्स, ये चारों जो है हम एक प्लेटफॉर्म पे देते हैं, और सॉफ्टवेयर के साथ हम पेमेंट भी देते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान देखेंगे, भारत देखेंगे, हम एंड बोलता हूँ मैं, वी आर एंड कंट्री, हम और कंट्री नहीं है, हम एंड कंट्री हैं। तो अगर आप किसी से भी बात करेंगे, आप बोलेंगे मिक्सी के साथ मुझे ग्राइंडर भी दे दो, है ना, वेट ग्राइंडर के साथ ड्राई ग्राइंडर भी दे दें, और उसके साथ जूसर भी दे दें। तो हमको ऐसे बंडल्ड सॉल्यूशंस अच्छी लगती हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो भारत के लिए है, और यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनसे सीखा हुआ सॉल्यूशन है। तो हमने जो बनाया है, इस तरह से बनाया कि हम पेमेंट भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, और अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस हैं लोगों के, मतलब एक के साथ 4 है। हाँ जी, एक के साथ 4 फ्री, जैसे हम कहते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक के साथ 100 फ्री देंगे, 100%। क्या ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अविनाश जी मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान है हमारे, राजेश जी, और मैंने जैसे आपको बताया सर, आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल है आपकी। अच्छा सर, ये पहले मेरे को नाम बताइए, हमने कैप्री ग्लोबल नाम क्यों रखा सर? मेरे को जहां तक पता है इसका नाम पहले मनी मैटर्स हुआ करता था। तो हमने 2012 में एक शिकागो बेस्ड कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर किया। अच्छा। एंड उनका नाम जो था कैप्री ग्रुप था, वो अभी भी okay. है, अभी भी काफी उनका बड़ा काम है। अच्छा। उनके साथ हमने JV किया। okay. तो उनकी पहली कंडीशन थी कि भाई हम हर इन्वेस्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये आपकी एसोसिएट कंपनी है क्या है। तो हमने फिर एग्रीमेंट किया उनके साथ में और हमने अपने नाम को चेंज किया। अच्छा ठीक, यही वजह है, मेरे को लगा कि शायद कुछ और वजह है या किसी का नाम है या किसी और भी वजह है, इसलिए मेरे को थोड़ा कौतूहल था पूछने का, इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा राजेश जी, एक चीज बताइए, अभी मैं SBI के मिस्टर आशुतोष जी को सुन रहा था, उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली और वो गोल्डन वर्ड्स है। इनफैक्ट वो हमने हिस्ट्री में भी देखा है, चाइना और इंडिया एक समय पे एक बराबर थे, लेकिन चाइना और इंडिया में जो फर्क आया उसकी बड़ी वजह MSME ग्रोथ बनी। और आज मिस्टर जो आशुतोष थे जो SBI के थे, वो भी ये बता रहे थे कि जब तक हम MSME को और स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेंगे। MSME को फंडिंग आप करते हैं, MSME को लोन आपके पास है और काफी बड़े लेवल पर है। मेरे को जरा ये बताइए, इस समय MSME की सिचुएशन क्या है? पैसा खुल के ले रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं, वापिस कर देते हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है उनका? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता।
तो देखिए जो एमएसएमई है वो पूरे इकोनॉमी का एक सपोर्ट सिस्टम है। यस, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनमें एक से लेके 10-20 तक एम्प्लॉय होते हैं और वो एक कोई ना कोई लार्जर यूनिट को सपोर्ट सिस्टम में होते हैं, चाहे वो रोड साइड ढाबा हो, चाहे वो स्मॉल असेंबली यूनिट हो, चाहे एक टिफिन सप्लाई करने वाली यूनिट हो, चाहे एक टेलरिंग शॉप हो। ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं जिनको कैपिटल नहीं मिलती है और उनका पूरा बिजनेस जो चलता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी पे नहीं चलता, रिटर्न ऑन एफर्ट्स पे चलता है। जब तक वो दौड़ रहे हैं उनका धंधा चल रहा है, तो उनको जब नया टर्म्स आपने दिया रिटर्न ऑन एफर्ट्स, तो इनको जो जब इनको लोन चाहिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, और क्योंकि वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं कि उनके पास में पूरे इनकम प्रूफ के वेल ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन बैंकों को सेटिस्फाई करने के लिए, वहां पे एनबीएफसी का रोल आता है जहां पे हम उनका इनकम असेसमेंट करके लोन देते हैं। आज भी देश में टीयर टू टीयर थ्री स्मॉलर टाउन्स में करीबन 40% ऐसी यूनिट्स हैं, करीबन 5 करोड़ ऐसी यूनिट्स हैं जो ग्रो करना चाहते हैं जिनको क्रेडिट का एक्सेस एडिक्वेटली नहीं है। और वो रोल हमें लगता है कि इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, ये सेगमेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। एक्सपोर्ट में आज भी इनका करीबन 18-20% का एक है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, तो ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसको अभी भी अनकैटर्ड है। और क्रेडिट इनको नहीं मिलती है तो महाजन के पास जाते हैं, तो इनको जब क्रेडिट मिलती है तो ये अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। जो लोन ये 10 साल का लेते हैं नॉर्मली 4 साल में अपना लोन चुका देते हैं, तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। और टेक्नोलॉजी आने के बाद इनको लोन जो है पहले जितना टाइम लगता था उसके बहुत ही कम समय में इनको लोन मिल रहा है, तो मुझे लगता है अगले 10 साल में ये सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको यदि कैटर किया जाए तो हमारी जैसी कई कंपनियां और लगेंगी जो इनकी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगी। और ये बहुत एफिशिएंट मॉडल है इनका, इनके बिजनेस स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़े ओवरहेड्स नहीं होते हैं। नहीं होते, सही बात है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, रिटर्न ऑन एफर्ट्स पे होता है, एफर्ट्स के हिसाब से चलता है। तो आज हमारे 6 लाख कस्टमर हैं और हमें लगता है कि ये हम लोग करीबन 40% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, और अगले 5-10 साल में जो इंडिया की ग्रोथ है उसमें हमें यदि पार्टिसिपेट करना है तो हम इस तरह से इस सेगमेंट को कैटर करते हुए पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन मेरे इतना 2 छोटे से सवाल हैं, वो शायद आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एक तो पहला है, एमएसएमई के अंदर कौन सी कंपनीज आती हैं आपके पास लोन लेने के लिए, सर्विसेज वाली कि मैन्युफैक्चरिंग वाली? थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग ज्यादा ईगर हैं या फिर सर्विसेज में है। दूसरा पॉइंट सर, ये पेमेंट वापस करने को लेकर या जो पूरे सर्कल को है लेने से लेकर वापस तक में, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं कोई बड़ी दरार, कोई प्रॉब्लम इकोनॉमी में, आपकी कंपनी में, कहीं भी किसी भी लेवल पे? तो ऐसा है कि हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग छोटी यूनिट आती है जो मोस्टली कोई ना कोई बड़ी यूनिट के लिए सामान तैयार कर रही होती है। अच्छा, ठीक है। जैसे ऑटो में हो सकता है कोई चीज का स्पेयर पार्ट्स का असेंबलिंग करके दे रहे हो, कुछ बोल्ट्स नट बोल्ट्स बना रहे हो, कुछ यूनिट को वो प्रोसेस करके दे रहे हो, कुछ वेल्डिंग करके दे रहे हो। अच्छा, ऐसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग छोटी होती है जो अपने आप में एक सर्विस होती है किसी न किसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए। okay. और एंसिलरीज है कहने का मतलब, एंसिलरीज यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है। और सर्विस इंडस्ट्री वाले बहुत लोग होते हैं, पोल्ट्री फार्म होगा, जैसे मैंने कहा कि एक छोटा किराने की शॉप होगी, एक बच्चों की गारमेंट की शॉप होगी जिसको जो बेचता है कपड़े साइड में छोटे गांव में। तो ये सब इस तरह के बिजनेस हैं जो आ रहे हैं आपसे लोन लेते हैं, जो कहीं से शॉल बनवाता है। आप भी तो करते होंगे ना एनालिसिस के, हाँ किस तरह के बिजनेस आ रहे हैं, वहां पे हमको ज्यादा लोन बांटना है, वहां पे जल्दी आसानी से लोन बढ़ जाएगा। दूसरा, इनकी रिकवरी देखिए, ये इनकी रिकवरी में ये बड़े कॉर्पोरेट की तरह नहीं है कि हम लॉयर लगाएंगे। यदि इनके पास पैसे हैं तो ये पैसे आपको देंगे। इनका कभी भी हमने देखा इंटेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लो वो एक सामान लाने के लिए कहीं जा रहा हो शॉपिंग करने अपनी दुकान के लिए और उसका बाइक का एक्सीडेंट हो जाए और 4 महीने यदि वो हॉस्पिटलाइज है तो 4 महीने किस्त नहीं देगा। जून जुलाई का महीना जब उसके बच्चों के स्कूल बैग्स और उसको किताबें खरीदनी होगी, एडिशनल प्रेशर आएगा तो हो सकता है वहां पे बाउंस रेट आपकी बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होती है। बाकी हमने कभी ये नहीं देखा कि वो उसके पास पैसे हैं और वो यूरोप घूमने चला गया और कह रहा है किस्त बाद में दूंगा। नहीं, बात सही है आप राजेश, ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत क्या होता है कि नियत तो बिल्कुल साफ है, खां के बाद दिक्कतें आ जाती है। उस दिक्कतों को आप भी समझते हैं, शायद वो भी समझते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और भी है जो मैं आपसे लूंगा, लेकिन मैं पहले वासुदेव सर के पास एक बार वापस जाऊंगा। सर, टिपिकली जो आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक होती है, क्योंकि जो शिप बिल्डिंग में आप हैं और शिप एक दिन में तो बनेगी नहीं, एक साल में भी नहीं बनेगी, एक बार समय थोड़ा ज्यादा भी लगता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही हैं, अब मैं कुछ दिन पहले ही, इनफैक्ट हम सब ने भी देखा है, आजकल वॉर वैसा हो रहा है कि जो अलग तरीके का वॉर है,
वो पेजर में विस्फोट हो रहे हैं, वो आप अपने फोन रखते हैं लैपटॉप रखते हैं उसमें विस्फोट हो रहे हैं, और ये मेरे को बताने नहीं पड़ेगा किस कंट्री में और कहाँ हो रहा है, आपको पता ही, आप भी देख रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी चेंज होगी या हो रही है, इसको आप कैसे अडॉप्ट करते हो, क्योंकि आपके वॉरशिप तो 5 साल बाद आएगी या 3 साल बाद आएगी, 3 साल में तो ड्रोन आ जाएगा। करेक्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। ये क्या होता है कि जब हम क्या बना रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें ये हमारी वेपन्स लॉन्च होते हैं। ओके ओके, तो ये जब हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो पूरा प्रोजेक्ट टेलीस्कोपिक रहता है, मतलब सम पार्ट यू डिसाइड एट द बिगनिंग कि आपके प्लेटफॉर्म में ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगी, एंड सम पार्ट्स यू डिसाइड क्लोजर टू द फिनिशिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म कि ओके दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कम एंड दे हैव टू गेट इंटीग्रेटेड। तो हम वी ऑलवेज आर करंट विथ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, बट आपकी बात सही है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो आज हमारे देश में सिचुएशन ऐसा है कि देखिए, वॉर इज लाइक गेम ऑन चेस बोर्ड, यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ यू नो। नहीं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हम वॉर में ना जाए, नहीं नहीं, बट उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन अवॉइड अ वॉर, एंड वेल प्रिपेयर्ड, दैट इज ओनली वे। आपके पास कोई आएगा नहीं अगर आपके पास सब कुछ है, लड़ने के लिए कोई भी नहीं आएगा आपके पास। तो जब ये चेसबोर्ड की तरह वेरियस टाइप्स ऑफ पॉन्स आते हैं, वैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग टाइप के होते हैं। बट क्या हो रहा है अभी कि हमें जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमारी वॉर स्ट्रेटेजी बन रही है, रादर देन यू फर्स्ट हैव द स्ट्रेटेजी एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी हमारा इंडिया इज टूडे पॉइस्ड इन सच अ पोजिशन कि हमारे यहाँ वी आर वेरी गुड, आई मीन टेक्निकली देर इज नो बडी कैन मैच इंडियंस। आप अब्रॉड आप जाओगे सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज आर इंडियंस ओनली रनिंग इट। सो दैट थिंग हैज कम इन इंडिया टुडे एंड दिस थ्रस्ट फॉर आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, जैसे सर ने बोला MSMEs, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच ब्रिंग एजिलिटी, कॉस्ट रिडक्शन। अगर मैं सब कुछ ही करने लग गया तो बहुत महंगा हो जाएगा। सो इट इज नॉट दैट MSMEs नीड मैस्गोंडॉक्स, मैस्गोंडॉक नीड्स MSMEs। तो ऐसे चल के हम सारे लोगों को समेट के हम चीजें बनाते हैं। तो एवरीवन इन हिज ओन स्फीयर इज वर्किंग टुवर्ड्स एफिशिएंसी एंड ब्रिंगिंग बेटर एंड बेटर टेक्नोलॉजी इन हिज ओन प्रोडक्ट। तो ये हमारी जो प्लेटफॉर्म एंड में बनती है वो हमेशा लेटेस्ट ही रहती है। इंटरेस्टिंग अमित जी, वैसे एक लास्ट सवाल के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है आपका, इसके लिए बहुत बधाई भी, आपने मेहनत भी काफी की है। जरा ये बताइए, सबका अच्छा चल रहा है कि सिर्फ आपका अच्छा चल रहा है, या सबका भी आगे अच्छा चलता रहेगा? देखिए, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, दूसरे के बारे में तो आप लोग बताते हैं। अच्छा चलने भी देंगे ना, अगर आपका अच्छा चलेगा तो सामने वाले का माल कैसे बिकेगा? नहीं, बट बात यह है कि जो हमने रियल एस्टेट में थॉट प्रोसेस है हमारा, हम सिर्फ आपको एक कमरा या एक मकान नहीं बेच रहे हैं, हम आपको एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। तो वो लाइफस्टाइल के कारण जो कमिटमेंट है हमारा कि हम आपको सारी एमिनिटीज, सारी फैसिलिटीज एक देते हैं। आज जब देखें, हमने जो थाने में 1 BHK दिया है 80-85 लाख में, उसमें 5 एकड़ का गार्डन है, और आपको वेलिंगटन क्लब, ये गोल्फ कोर्स, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल कर दिया है। तो इस तरीके से लोगों को एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। सेकंड थिंग, हमारा जो होल कमिटमेंट है लोगों को, क्योंकि रेरा की जो टाइमलाइन रहती है उससे पहले डिलीवर करते हैं, क्यों हमारे साथ एक बहुत सिंपल हमने फिलॉसफी किया है, बिल्डिंग इंडिया 1-2-3। हम 5 BHK 6 BHK में नहीं, हम अफोर्डेबल लग्जरी अफोर्डेबल में जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, लोगों को ये रहता है कोई रेंट पे रह रहा है, कोई को लोन चालू हो गया है, उसको जरूरत है जल्दी से जल्दी घर मिले। तो हमारा एफर्ट क्या है, हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो डिलीवर किया वो रेरा टाइमलाइन से 2 साल पहले डिलीवर किया। तो उसके कारण उसको क्या एडवांटेज हुआ, उसका 1 मीटर रुक गया, या तो रेंट का रुक गया या कुछ और रुक गया। तो उस तरीके से हमारे जो रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट है या जो लोगों को हम डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो काफी अट्रैक्टिव है। अमित जी, स्लो डाउन तो नहीं आने जा रहा ना 2031 तक?
कोई दिक्कत तो नहीं, महंगा फ्लैट भी ले लें तो? देखिए सबसे बड़ी बात क्या, अगर हमारा आप खरीदेंगे और हम नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, ओवरऑल देश में इतनी ग्रोथ है तो क्यों रुकेगा, लोगों को हर को घर चाहिए। और इसी बात पे हम विश्वास करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान जो ये तीन बेसिक चीज है, हम कपड़ा बनाते हैं, मकान बनाते हैं और हमारे पास 40,000 लोग काम करते हैं तो उनको रोटी देते हैं, तो वो तो सक्सेसफुल होने वाला ये मॉडल। चलिए वाह, बहुत ही शानदार, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, थोड़ा समय की कमी है, नहीं तो मैं तो आपसे पूछता पूछता थकू नहीं और आप बताते बताते थकेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, थैंक यू वेरी मच स्वास्थ्य सर, थैंक यू वेरी मच अविनाश, थैंक यू वेरी मच अमित जी, थैंक यू वेरी मच सृष्टि, थैंक यू।